हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ गौरी शंकर, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। ये अपन लोगों का बेटा मेजर टेस्ट सीरीज एमटीएस चल रहा है, जिसमें आपके 12 पेपर होने हैं। तो उस पेपर का ये फोर्थ पेपर के सॉल्यूशन को आज अपन लोग डिस्कस करते हैं। तो बेटा चलते हैं इस पेपर में। आपके जो जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अपन लोग लेते हैं, एक एक करके अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इन द फॉलोइंग इंडिकेटर डायग्राम द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी। यहां पर आप अगर ध्यान से देखिए तो एक हमारे पास ये साइकिल दिया हुआ है, पूरा एक सर्कल दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है और ये पी वी ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये मालूम होगा या आप ये जानते हो कि जब हमारे पास कोई जैसे ऐसे साइक्लिक दी हुई है, ये इस तरीके से ये साइकिल दी है, ये पूरे सर्कल, और ये कैसा दिया है, ये दिया आपका क्लॉकवाइज और ये वाला दिया है एंटी क्लॉकवाइज। एक दिया है क्लॉकवाइज और एक दिया है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वाले में वर्क डन क्या लेते हैं हम लोग बेटा, पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका वर्क डन कैसा आएगा, ये क्लॉकवाइज है, इसका वर्क डन हमारे पास आएगा बेटा पॉजिटिव, और जो इसका वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें इन दोनों को, अगर ये पूरा कंबाइंड है तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। आप ध्यान से देखिए कि इसका एरिया, सेकंड वाले लूप का जो एरिया है वो इस वाले लूप के एरिया से कम है। इसका मतलब जो डोमिनेंट होगा वो डोमिनेंट हमारे पास कौन सा हो गया, वो डोमिनेंट हो गया सेकंड वाला, सेकंड वाला मतलब नेगेटिव। तो जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर टू विल बी करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए कह रहा है, ए टेम्परेचर डिग्री ऑन द केल्विन स्केल इज सेम एज। यहां पर क्या है कि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और केल्विन में दिया हुआ है, सेल्सियस स्केल में। तो आपको मालूम है कि जो हम लोग सेल्सियस स्केल लेते हैं या जो आप केल्विन स्केल लेते हो, उसमें सेल्सियस स्केल में हम लोग 0 से लेकर के 100 तक लेते हैं और इसमें हम लोग 273 से लेकर के और 373 तक लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि वो सारे के सारे डिवीजन को अगर हम देखें, एक डिवीजन की अगर हम लोग बात करें, तो जो सेल्सियस स्केल है और जो आपके पास केल्विन स्केल है वो क्या होगा, सेम होगा। मींस द टेम्परेचर डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल, ये आपका ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय एन आइडियल डायटोमिक गैस ऑफ द हीट सप्लाइड बाय द गैस इन द आइसोबरिक प्रोसेस। वर्क डन बाय एन आइडियल गैस टू द हीट सप्लाइड, तो हीट सप्लाइड और उसमें आपको निकालना है क्या, वर्क डन कैलकुलेट करना। तो जरा देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अपने पास जो डेल्टा यू हुआ, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा यू कितना आ गया बेटा, एन सी वी कितना हो गया, 5R/2 डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू क्या हो गया, ये हो गया एन आइस, कैसा बेटा, ध्यान से देखिए आइसोबारिक है, एन सी पी डेल्टा टी। तो ये कितना आ जाएगा, एन इंटू ये हो जाएगा हमारे पास
एन इंटू सेवन आर बाई टू डेल्टा टी। तो देखो डेल्टा यू मालूम हो गया, डेल्टा क्यू मालूम हो गया, अब आपको डब्लू और निकाल लेना है। डेल्टा डब्लू क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा क्यू में से डेल्टा यू सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेवन में से ये फाइव निकल के आ गया, टू टू बाई टू, मतलब क्या आ जाएगा एन आर डेल्टा टी, क्या आ जाएगा बेटा एन आर डेल्टा टी। अब देखो तो ये हो गया वर्क डन, ये हो गया हमारे पास बेटा वर्क डन, और ये हो गया हीट। तो वर्क डन और हीट का अगर हम लोग रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी अपॉन एन सेवन आर बाई टू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी गया, आर से आर गया, ये गया, हमारे पास क्या आ गया बेटा टू बाई सेवन। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया आपके पास बेटा टू बाई सेवन। इज इट क्लियर, चलो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम अलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय। आपको सबको मालूम है कि जब भी कभी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो वहां पर एक रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, एंड दैट रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। क्या होता है बेटा, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या इसी से हम अगर बात करें तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स हो जाएगा। तो माइनस के एक्स देखो बेटा किसमें है, ऑप्शन नंबर वन में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में, ए लोडेड स्प्रिंग वाइब्रेट विद ए टाइम पीरियड टी, द स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू नाइन इक्वल पार्ट्स। यहां से देखिए नाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही, मतलब नौ समान भागों में बांट दिया गया, ठीक है। एंड द सेम लोड इज सस्पेंडेड, जैसे मान लो कि हमारे पास बेटा एक ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से हमने कोई एक ये बॉडी लटकाई और अभी इसका स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के है। अब इसके नौ टुकड़े कर लिए, कितने कर लिए, नाइन पार्ट कर लिए। अब जब नाइन पार्ट करेंगे तो जो एक पार्ट हुआ हमारे पास, ये एक पार्ट हुआ, ठीक है। तो इस एक पार्ट का के साथ हम लोग वही सेम मास लटका रहे हैं, तो अब ये मान लिया क्या हो गया बेटा, के डैश हो गया। तो अब के डैश इसमें कितना हो जाएगी, ये दिस विल बी इक्वल टू नाइन के, नाइन टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो t इज इक्वल टू टू पाई रूट एम बाई के, ये होता है फार्मूला, मीन्स t अपॉन t डैश इज इक्वल टू k डैश अपॉन k। तो ये हो गया हमारे पास t बाई t डैश इज इक्वल टू, ये कितना हो गया नाइन के बाई के, के से के कट जाएगा, t डैश हमारे पास आएगा थ्री, t डैश इज इक्वल टू t, तो t डैश हमारे पास हो गया t बाई। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आप आराम से आप देखिएगा सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन आया, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 3 सेंटीमीटर is u, if the spring is stretched by 6 centimeter then what be the potential energy। देखो पहले 3 centimeter तक stretch किया गया, उस समय उसकी potential energy क्या थी, u थी। अब अगर उसको stretch कितना कर दिया जाए, 6 centimeter तक कर दिया जाए, तो अब वहां पर potential energy क्या होगी। तो देखो u is equal to half kx square होता है, u is equal to half kx square, तो u proportional to x square आया, तो u1 by u2 is equal to x1 by x2 का होल स्क्वायर। यू वन हमारे पास है बेटा यू, और यू टू आपको निकालना है, एक्स वन है थ्री और ये हो गया हमारे पास सिक्स, ठीक है, ये हो गया सिक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो गया हमारे पास यू और ये हो गया यू बाई टू, यहाँ से कट कर लो वन बाई टू, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा फोर, तो वन बाई फोर आ गया, मीन्स यू टू बराबर कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल टू फोर यू, दैट विल बी इक्वल टू फोर यू। तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, ओके बेटा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंटरफेरिंग साउंड वेव्स आर गिवन एज,
वाई वन इज इक्वल टू फोर साइन ओमेगा टी एंड वाई टू इज इक्वल टू थ्री साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो यहां पर एक बात देखिए, तो यहां पर भी ओमेगा टी लिखा हुआ है, यहां पर भी ओमेगा टी लिखा है, यहां पर भी साइन लिखा है, यहां पर भी साइन लिखा है, यहां पर देखो यहां पर ये क्या आ गया पाई बाई टू। तो मतलब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस हुआ, जो कलांतर हुआ, वो कितना हो गया बेटा, हो गया पाई बाई टू। ठीक, और ये हमारे पास फोर, ये एम्पलीट्यूड हमने मान लिया बेटा ए वन और ये एम्पलीट्यूड हमने मान लिया बेटा ए टू। अब दोनों को इंटरफेयर किया गया है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो बेटा फार्मूला होता है वो क्या होता है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए वन स्क्वेयर प्लस ए टू स्क्वेयर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव होता है। अब फाइव की जगह हम लोग यहाँ पे जब पाई बाई टू रखेंगे तो ये टोटल टर्म तो आ जाएगा जीरो। यहाँ पर देखो क्या बचा, ये हो गया आर स्क्वेयर, ये हो गया बेटा थ्री का स्क्वेयर प्लस ये आ गया बेटा फोर का स्क्वेयर, तो आ जाएगा नाइन और ये हो जाएगा सिक्सटीन, मतलब आर बराबर हमारे पास आ जाएगा फाइव। तो आर बराबर फाइव देखो किस में है, ऑप्शन वन में है फाइव। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन वन में आ गया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाई 1% देन द टाइम पीरियड विल बी। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि कोई हमारे पास कोई सिंपल पेंडुलम है, उस पेंडुलम की जो लेंथ है, पेंडुलम की जो लेंथ है उस लेंथ को हमें इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज करना है 0.1% की इंक्रीमेंट देना है। तो अब हमें टाइम पीरियड निकालना है कि व्हाट बी द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा अपने को ये भी बताना है। इज इट क्लियर। तो अब चलते हैं जरा इसका बेसिक जो अपने पास फार्मूला है वो क्या है, वो है अपने पास फार्मूला टी बराबर टू पाई रूट एल अपॉन जी है। तो यहां से देखिए टी प्रोपोर्शनल टू एल पावर वन बाई टू लिख सकते हो क्योंकि अपने को लेंथ के विषय में देखना है। तो व्हाट बी द वैल्यू, टी डेल्टा टी अपॉन टी, परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें तो क्या आ जाएगा हाफ डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या होगा कि लेंथ अगर बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब यहाँ पे परसेंटेज की बात हो जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें सीधा और यहाँ पर सीधा परसेंटेज की बात करें तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, दैट इज गिवन एज 1%, क्या दिया है 1%। तो 1/2 × 1 अगर हमने किया तो क्या आ गया 0.5%। अब 0.5% देखो अब यहाँ पे दोनों दिए हैं, डिक्रीज वाला भी दिया है और इंक्रीज वाला भी दिया है। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कह रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टाइम पीरियड विल इंक्रीज। तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज किस में दिया हुआ है, ऑप्शन टू में दिया हुआ है। ओके बेटा चलते हैं आगे, तो अपन लोग बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में। नाइन क्या कह रहा है, ए सिंपल हार्मोनिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई ए रिलेशन वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए नॉट साइन टू पाई एन टी माइनस एक्स बाई लेमडा इफ द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज थ्री टाइम्स कह रहा है किसका, वेव वेलोसिटी का, पार्टिकल वेलोसिटी वेव वेलोसिटी का थ्री टाइम्स है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो बेटा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा, क्या होता है ए ओमेगा। तो यहां पर ए की जगह क्या है ए नॉट ओमेगा हो गया। अब ये जो वी मैक्सिमम है, वी मैक्सिमम इज थ्री टाइम्स ऑफ द वेव वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी हमारे पास क्या है वी, वेव मान लें इसको, और ये हमारे पास क्या हो गया वी मैक्सिमम हो गया हमारे पास ए नॉट ओमेगा और ये हो गया थ्री वी वेव। वेव की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है बेटा एन लेमडा, यहाँ से देखो एन लेमडा बनेगा, बनेगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ए नॉट ओमेगा की जगह हम क्या कर दो बेटा टू पाई एन इज इक्वल टू थ्री एन लेमडा कर दो, एन से एन गया तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया टू पाई ए नॉट अपॉन थ्री। तो देखो ऑप्शन में टू ए पाई टू ए नॉट पाई बाई थ्री कहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको बेटा इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सेकेंड में ये दिया हुआ है। ठीक है बेटा चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके सामने है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो, ए पार्टिकल मूव्स ऑन एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी।
द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। यहाँ पर देख लीजिए एक्स नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसमें हमें क्या लेना है कि अपना टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है, और हो सकता है एम्पलीट्यूड कितना होगा, मतलब आयाम कितना होगा और आवर्तकाल कितना होगा, जब इक्वेशन इस तरीके से दी है, ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें हम लोग x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास बेटा, x इज इक्वल टू एक्स जीरो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x नॉट बाई 2, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना। अब cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये दोनों मिलकर के क्या आ गया, ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो यहां से देखो क्या बनी बात, 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बेटा क्या, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो अगर हम यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x नॉट बाई 2 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको सिंपल हार्मोनिक के हिसाब से कर देखें तो x नॉट बाई 2 माइनस x नॉट बाई 2 cos 2 ओमेगा टी। तो यहां पर देखो ये टाइम पीरियड हमारा किससे निकलेगा, इससे निकलेगा, इसका मतलब एम्पलीट्यूड तो हो गया x नॉट बाई 2, तो x नॉट बाई 2 तो कहीं दिया नहीं है, x नॉट बाई 2 कहीं नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आयाम तो ये और ये दोनों गलत हो गए। अब अपने को देखना टाइम पीरियड क्या होगा। यहां पर देखो, अब ये जो हमारे पास था ये हो गया एंगुलर वेलासिटी, तो ये हमने मान लिया सपोज ओमेगा डैश, ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये हो गया 2 ओमेगा, क्या हो गया 2 ओमेगा, और ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई बाई टी डैश मान लें इसको, ये हो गया 2 ओमेगा, 2 से 2 गया, तो टी डैश बराबर क्या आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास पाई बाई ओमेगा। तो आवर्तकाल कितना होगा, पाई बाई ओमेगा होगा, मीन्स टाइम पीरियड कितना होगा, पाई बाई ओमेगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन, ए बॉम्ब इनिशियली एट रेस्ट, ए बॉम्ब इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू इटसेल्फ इनटू 3 इक्वल मास फ्रेगमेंट्स, द वेलोसिटीज ऑफ द 2 फ्रेगमेंट्स आर गिवन एज ये और ये, देन द वेलोसिटी ऑफ द 3rd फ्रेगमेंट, मतलब हमने मान लिया कि हमारे पास कोई 3m मास का था, कोई ये हमारे पास 3m मास का है और ये स्प्लिट हुआ एक में, ये दूसरे में, और ये मान लिया तीसरे में, ऐसे 3 टुकड़ों में टूट गया, ये तीनों का मास क्या है m, m और m। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा, इनिशियल मोमेंटम है 0, तो बेटा फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, मतलब इसका मोमेंटम निकाल लो, इसका मोमेंटम निकाल लो, इसका मोमेंटम निकाल लो, इन तीनों का मोमेंटम क्या होना चाहिए 0। तो इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया बेटा v1 है, इसकी वेलोसिटी मान लिया कितना है v2 है, और इसकी वेलोसिटी क्या है मान लिया v3 है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा mv1 प्लस mv2 प्लस mv3 इज इक्वल टू 0, स्मॉल m तो गया, सब कट गया, हो गया ना, तो कितना आ जाएगा बेटा v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या बना यहाँ पर, अब आप सॉल्व कर लो इसको, तो क्या बना, v1 कितना है 3i प्लस 2j, क्या बेटा 3i प्लस 2j है, प्लस v2 कितना है, ये है बेटा माइनस आई 3i प्लस 2j, ये है बेटा माइनस आई माइनस 4j, प्लस v3 वेक्टर मान लो इसको ऐसे ऐसे, ये वेक्टर मान लो क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर है इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखें 3i से i निकल गया, कितना आया 2i, यहाँ पर क्या बचा माइनस 2j इज इक्वल टू माइनस v3, अब ये माइनस हटा दो तो माइनस 2i प्लस 2j इज इक्वल टू आ गया v3, तो v3 वेक्टर हमारे पास क्या आ गया माइनस 2i प्लस 2j, तो माइनस 2i प्लस 2j देख लो कहाँ पर है, माइनस 2i प्लस 2j कहाँ पर है, ध्यान से देखो ये आपका ऑप्शन नंबर 3rd में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3rd में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन 3rd इसका सही हो गया।
ठीक है, चलते हैं आगे अपन लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड। अब ये क्या कर रहा है, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। तो पहली बात ये समझो कि जैसे मान लिया कहीं पर कोई प्रेशर लगा हुआ है, प्रेशर अगर ज्यादा है तो अब इस प्रेशर को, अब ये बॉयल कब होगा, ये बॉयल तब होगा कि जब यहां पर इस प्रेशर के अगेंस्ट में हम कुछ यहां पर उसको हीट अप करके इसको ऊपर हटाएं, ठीक है, तभी तो ये बॉयल होंगे। इसका तो क्या हो गया कि अगर प्रेशर ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, और यहां पर क्या हुआ, प्रेशर रिड्यूस कर दिया गया। प्रेशर जब रिड्यूस कर दिया गया मतलब वहां पर जैसे मान लिया पानी है, गर्म हो रहा है, अब ऊपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर दिया गया, तो अब क्या होगा, अब हमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, मतलब क्या होगा, लोअर टेम्परेचर पर ही वो बॉयल हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर पर ही वो बॉयल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा कौन सा, सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के अणुओं का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन के अणुओं के वेग समान होगा, यह टेम्परेचर क्या होगा। तो आपको मालूम है V इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RT अपॉन m होता है, ठीक है। तो यहां से ये वेलोसिटी तो सेम है, मतलब V ऑक्सीजन इज इक्वल टू V नाइट्रोजन, ये तो सेम है बेटा। तो यहां से बात क्या बनी, रूट ऑफ T ऑक्सीजन अपॉन m ऑक्सीजन इज इक्वल टू रूट ऑफ T नाइट्रोजन का टेम्परेचर, और ये हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है, ये बन गया। अब ये रूट रूट तो दोनों साइड से हट गया, तो यहां से देखो क्या बना बेटा, टी ऑक्सीजन अपॉन टी नाइट्रोजन बराबर एम ऑक्सीजन अपॉन एम नाइट्रोजन। टी ऑक्सीजन ये कितना बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल द टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब ऑक्सीजन वाले के लिए हमें निकालना है, और नाइट्रोजन कितने पर दिया है, नाइट्रोजन हमारे पास दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अपने को क्या दिया हुआ है, टी नाइट्रोजन दिया हुआ है कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या हुआ अपने पास 273, तो टी ऑक्सीजन अपॉन बेटा हो गया 273 इज इक्वल टू एम ऑक्सीजन, एम ऑक्सीजन हमारे पास हो गया 32 और ये कितना हो गया 28, ये बना, ठीक है। अब टी ऑक्सीजन कितना आ गया, 8 × 273/7। हाँ तो बेटा आपका टी ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो जब ये टी ऑक्सीजन और ये हमने निकाल लिया पूरा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये सब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है करीब 312 के आसपास आता है, ठीक है, 312 के आसपास आता है। अब 312 भी आ गया, तो ये हमारे किस में आया बेटा, केल्विन में आया, किस में आया, केल्विन में। और आंसर देखो, आंसर किस में दिया, डिग्री सेंटीग्रेड में सारे दिए हुए हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हुए, मतलब हमने क्या किया, 312 में से 273 घटा लिया, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 अपने पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये अपने पास आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। तो ये अपना क्वेश्चन 13 हो चुका। अब अपन लोग आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर क्लियर्स 7/16 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द टावर इन इट्स लास्ट सेकेंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है केवल,
कि किस तरीके से करें क्वेश्चन को, ठीक है। इन द लास्ट सेकेंड ऑफ द फ्लाइट द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड में जब वो पहुंच रहा है तो वो उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब कुल ऊंचाई का 7/16 वो कवर कर रहा है लास्ट सेकंड में। तो यहां से देखिए कि हमने ये मान लिया कि यहां से कोई बॉडी आ रही और ये यहां पे जा रही है, राइट। यहां पर टाइम टी इक्वल टू 0 था और यहां पर मान लिया हमने टाइम क्या हो गया, टी हो गया। ये पूरी हाइट क्या थी बेटा, ये थी एच। तो ये हमारे पास क्या गया, एच इज इक्वल टू 1/2 gt² हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया 1। अब आप अगर ध्यान से देखो तो लास्ट के एक सेकंड में, लास्ट का जो एक सेकंड हुआ एक सेकंड में, इसने क्या किया कि ये 7/16 हाइट को कवर किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक की जो हाइट हो गई वो क्या हो गई, एच माइनस 7h/16। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9h/16। तो 9h/16 यहां से यहां तक आने का टाइम टी था, एक सेकंड निकल गया, तो ये टाइम हमारे पास क्या बचा, ये बचा हमारे पास बेटा टाइम टी माइनस 1 सेकंड। तो अब अगर हम आगे इसमें देखें तो एच डैश हमारे पास क्या हो गया, 1/2 gt - 1² एच डैश ये है, मतलब क्या हो गया 9h/16 = 1/2 gt - 1² ठीक है। और ये एच है हमारे पास, एच इज इक्वल टू है अपने पास 1/2 gt² यहाँ से ऐसे कट कर लो, 1/2 g से 1/2 g गया, एस से एच किया, दोनों तरफ का हमने क्या किया, दोनों तरफ का हमने स्क्वायर रूट निकाला। तो जब बेटा स्क्वायर रूट निकाला तो ध्यान से देखो तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, मतलब ये हमारे पास आ गया 3/4 = t - 1/t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया, 3t = 4t - 4। तो t इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 4 सेकंड, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 सेकंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं करना अदरवाइज गलत हो सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 m/s मेकिंग एन एंगल ऑफ 30° विद द हॉरिजॉन्टल, द हाइट ऑफ द टावर इज 70 m, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ द थ्रोइंग विल द बॉल रीच द ग्राउंड। वो कह रहा है कि एक टावर है बेटा इस टाइप का, एक ये टावर है, इस टावर से यहाँ से ये यू बराबर 50 m/s से ऊपर की तरफ फेंका गया, तो यहाँ पर ये थीटा कितना बेटा 30° है, तो यहाँ पर क्या हो गया 50 cos 30, और ऊपर क्या हो गया ये इस साइड वाला हो गया हमारे पास 50 sin 30, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा बेटा 25, ठीक। अब अगर हम इस वेलोसिटी को अगर नीचे की तरफ देखें, इसका मतलब नीचे की तरफ ये वेलोसिटी हमारे पास क्या आ रही, यू बराबर आ रही हमारे पास -25 m/s से आ रही, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक बेटा टाइम कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है, वो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। हाइट कितना दे रहा है बेटा 70 m दे रहा है, क्या दे रहा है 70 m दे रहा है, देख लो क्या कह रहा है 70 m, इज इट क्लियर। तो अब हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या लगा, टी लगा, तो एच इज इक्वल टू ut - ut + 1/2 gt² करेंगे तो यू की जगह क्या रखेंगे, -25t + 1/2 g और टी स्क्वायर, तो 70 = -25t ऐसे कर दें, प्लस यहाँ पर g की जगह में 10 रखा, 10/2 मतलब 5t² आएगा। अब इसको 5 से हम लोग कट कर दें, तो 5 से अगर कट किया तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 14, यहाँ पर आ जाएगा -5t + t², तो अब t² - 5t - 14 = 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, अब 14 के फैक्टर करो कि 5 आ जाए, तो t² - 7t + 2t - 14 = 0। यहाँ से देखिए t कॉमन ले लिया, क्या आया t - 7, यहाँ से बेटा 2 कॉमन ले लिया, क्या आया t - 7 = 0। तो
तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, टी माइनस सेवन और टी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टी माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, मतलब टी इज इक्वल टू क्या हो गया, सेवन सेकेंड आएगा। और अगर इसको देखेंगे तो यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस टू सेकेंड आएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, निगेटिव हो ही नहीं सकता टाइम। तो यहाँ से अब आप देखिए ध्यान से कि अपने पास कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर अपना थर्ड सही आ रहा जिसमें सेवन सेकेंड है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 में। ए कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कैन स्टॉप बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स एंड इन ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इफ द कार इज इफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज 30 मीटर पर सेकेंड देन इट कैन बी स्टॉप्ड बाय दिस फोर्स। ठीक है, अब यहां पर इस फोर्स से जो हम ये फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो कितने मीटर की दूरी तय करेगा। यहां पर देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस होता है, यहां पर ये हमारे पास हो गया जीरो, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, तो u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू s। तो यहां पर देखिए s1 अपॉन s2 बराबर क्या होगा बेटा, u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर। तो s1 हमारे पास क्या है, s1 है हमारे पास ध्यान से देखिए 20 मीटर है, 20 अपॉन s2 ये आपको निकालना है, u1 कितना है, u1 है हमारे पास 30, u1 कितना है सॉरी पहले 10 है, ये है 10 और ये है बेटा 30 का स्क्वायर, इसको कट कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ गया 180 मीटर। ठीक है, तो ये आपका 180 मीटर किस में आ रहा, ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन द ब्रेकिंग क्वेश्चन नंबर 17। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल इज 10 टेज पर 9 पास्कल इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज गिवन एज 3 × 10⁻³ kg per meter cube, then the maximum length of the wire for which it does not break under its own weight। तो यहाँ पर ठीक है क्या होता है, breaking stress के लिए होता है L is equal to S is equal to L upon rho g, ये होता है formula। ठीक है, एक मिनट, L is equal to S upon rho g, S क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस हमारे पास रखो तो कितना आ गया 10⁻⁹ हुआ, और ये रो हमारे पास क्या है 3 × 10⁻³ है, और जी कितना होगा बेटा 10, इसको पूरा सॉल्व कर लो अपने पास आ जाएगा 3.3, ये बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बेटा, द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एट द टाइम 2t³, फाइंड द वर्क डन By the force acting on it in time interval t is equal to 0 to 2 is equal to 2 second तक, t is equal to 0 से t is equal to 2 second तक किया गया कार्य क्या होगा, जबकि displacement की equation दी है। तो बेटा ये displacement की equation दी है तो velocity की क्या बनेगी हमारे पास, ये बनेगा 6t² ये बन गया। अब यहाँ पर t is equal to 0 second पर अगर हम लोग देखें तो v1 हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और t is equal to 2 second पर देखें तो v2 क्या हो जाएगा 6 × 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 24, ये बना। अब वर्क डन निकालना है बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ एम कितना बेटा 2 किलोग्राम, और V2 कितना है 24 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया 0, ये गया कितना आ जाएगा 576 जूल, कितना आ जाएगा 576 जूल, आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम लोग बात करें तो क्या कह रहा है, ए कार ऑफ मास स्मॉल m वांट्स टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 120 मीटर विद 30 मीटर पर सेकेंड, व्हाट शुड बी द बैंकिंग एंगल फॉर द सर्कुलर टर्न। ठीक है, प्रति मोड़ पर उसका बंकन कोण क्या होना चाहिए, यह कह रहा है। तो आपको मालूम है कि tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर जी होता है ना, तो हमने वही लगा दिया tan थीटा
इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो वी स्क्वायर हमारे पास क्या बेटा, वी है हमारे पास, देखो ध्यान से, 30 इंटू 30। आर कितना है, आर है हमारे पास 120, आर है हमारे पास बेटा 120, राइट। और ये जी है अपने पास 10। तो एक ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 3/4। और ये 3/4 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 37 की वैल्यू होती है, 10 37 की वैल्यू होती है। थीटा हमारे पास क्या आ गया, 37 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है वो। हमने इसके बाद ये क्वेश्चन डालने का एक मेन मकसद हमारा ये था कि कभी कभी वो घुमा देता है। वो क्या कहता है कि स्लोप दे दिया, द स्लोप ऑफ द स्मूथ बैंक्ड हॉरिजॉन्टल रोड, मतलब आपको क्या दे दिया हुआ है, वो आपको 10 थीटा की वैल्यू ही डायरेक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, वो 10 थीटा की ही डायरेक्ट वैल्यू आपको दे रहा है। और वो कितना दे रहा है, ये पी कह रहा है, क्या कह रहा है, पी, राइट। अब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था, वी स्क्वायर अपन आर जी था, इज इक्वल टू टेन थीटा था, टेन थीटा। और ये हमारे पास क्या हो गया, पी के बराबर हो गया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी आर जी हो गया। तो वी कितना हो गया, ये हो गया बेटा रूट पी आर जी। ओके, तो ऑप्शन देख लो बेटा, ऑप्शन आपका सेकेंड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ए रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास कैपिटल एम इज बेंट टू फॉर्म ए सेमी सर्कुलर रिंग एज शोन इन द फिगर, देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इस, ये पूरी जो रॉड है इसकी पूरी लेंथ एल है, तो बेटा एल है और ये हमारे पास क्या है, इसकी रेडियस हमने मान लिया आर है, तो कितना हो गया, पाई आर इज इक्वल टू एल के बराबर हो गया। तो आर हमारे पास क्या आ गया बेटा, एल बाई पाई हो गया, हो गया ना। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो क्या हो गया, एम एल स्क्वायर अपॉन टू पाई स्क्वायर। तो यहां से देख लो क्या हो गया, एम एल स्क्वायर अपॉन टू पाई स्क्वायर। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। आगे चले अगले क्वेश्चन में आते हैं। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाई 125%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एल इज इक्वल टू, एल आपको निकालना है, तो के इज इक्वल टू कितना हो गया, एल स्क्वायर अपॉन टू एम होता है फार्मूला, टू आई सॉरी। रोटेशनल की बात करें तो के इज इक्वल टू कितना होगा, एल स्क्वायर अपॉन टू आई। यहां से अगर हम लोग बात करें तो के वन अपॉन के टू इज इक्वल टू क्या हो गया, एल वन अपॉन एल टू का होल स्क्वायर। ठीक है, एल हमारे पास लेंथ नहीं है, यहां पर क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज कर रहा है, 125%। तो मान लिया पहले के वन हमारे पास था 100, तो अब के टू क्या हो गया बेटा, 125 इसमें और ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 225 हो गया, कितना हो गया, 225 हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, के वन एल वन हमने मान लिया बेटा एल है, आपको एल टू निकालना है। तो यहां पर क्या हो गया, 100 अपॉन 225 इज इक्वल टू एल अपॉन एल टू का होल स्क्वायर, राइट। हो गई बात, तो यहाँ से इसको कट कर दिया, ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2.25, और 2.25 का जब स्क्वायर रूट करेंगे आ जाएगा 1.5 इज इक्वल एल अपॉन एल टू। तो अब क्या हो गया, एल टू बराबर हमारे पास क्या हो गया, 1.5 एल हुआ, तो डेल्टा एल हमारे पास क्या हो गया, 1.5 एल माइनस एल, ये कितना आ जाएगा, 0.5 एल आ जाएगा। इसको इधर ले आओ तो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू 0.5, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इंटू 100 और कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 50%। तो आंसर सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। देखिए, टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास स्मॉल एम आर मूविंग इन ए सर्कल बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो यहां पर ऐसे समझ लो, ये हमारे पास है कोई सर्कुलर पाथ, ये और ये हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, ये मास m है और ये मास m है। इसकी वजह से ही यहाँ पर एक सर्कुलर
में घूम रहे, ये ऐसे काम घूम रहा है और ये ऐसे मान लो घूम रहा है, ठीक है। तो इधर क्या लगेगा बेटा, सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीपेटल फोर्स किसकी वजह से आया, ये यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा जी एम एम अपॉन टू आर स्क्वायर होगा, जी एम एन एम टू अपन आर स्क्वायर। अब यही क्या देगा, यही हमारे पास देगा सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम से ए, एम तो गया गया, अब यहां से देखो बेटा जी एम बाई फोर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये बना, बन गया। तो अब यहां पर बात देखो क्या बन रही है, अपने पास स्क्वायर रूट करना है तो अपने पास ये आ जाएगा वन बाई टू रूट जी एम बाई कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास, क्वेश्चन नंबर 24, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल ऑफ मास 3m एंड रेडियस कैपिटल आर, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि एक हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है और यहां पर मास रखा हुआ बेटा 3m, और यहां पर इसका जो मास है वो है स्मॉल m। तो यहां पर जो सरफेस पर हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से होगा, एक तो इस मास की वजह से होगा ये जो पार्टिकल यहां पर रखा हुआ, दूसरा इसकी वजह से होगा। तो v इज इक्वल कितना हो गया, ये हो जाएगा बेटा माइनस जी एम बाई आर इस सरफेस की वजह से, और दूसरा इस मास की वजह से तो माइनस 3 जी एम बाई आर। तो दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया माइनस 4 जी एम बाई आर, यहां पर देख लो बेटा माइनस 4 जी एम बाई आर ऑप्शन नंबर थर्ड में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इसमें बच्चे बहुत जल्दी गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो वो अभी हम बता दे रहे हैं कि आप गलती नहीं करोगे। ए बॉडी ऑफ बॉडी हैज 5 कूलम चार्ज, मतलब प्लस 5 कूलम का चार्ज है, और 10^20 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए गए, 10^20 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए, ठीक। तो मान लिया हमारे पास कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पर कोई चार्ज हमारे पास 5 कूलम है, कितना है 5 कूलम है। अब इस पर हमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए, 10^22, तो n हमारे पास क्या हो गया, 10^22 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए। तो इसका मतलब हमने कितना चार्ज दे दिया, हमने q इज इक्वल टू माइनस एनी, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं, तो निगेटिव चार्ज आएगा। तो q1 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 10^20 इंटू 1.6 इंटू 10^-19, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा बेटा -16 कूलम। हमने यहां पर 5 कूलम चार्ज था और बेटा -16 कूलम और दे दिया, अब ये हमारे पास टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू -11 कूलम, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू -11 कूलम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, ए रिंग ऑफ रेडियस आर इज चार्ज यूनिफॉर्मली विद ए चार्ज क्यू, एक आर रेडियस के एक वलय है क्यू से, उसको आवेशित किया गया है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द रिंग, वो कह रहा है कि यहां पर है, यहां पर चार्ज कितना बेटा, ये क्यू है, यहां से ये पॉइंट है आपका पी सेंटर से, और ये दूरी आपकी x, इसकी रेडियस है r, और ये परिधि से मतलब इससे यहाँ से इसके वलय से रिंग से यहाँ तक की दूरी डिस्टेंस हमने मान लिया r है, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द रिंग। तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। तो अगर हम यहाँ से x की अगर हम लोग बात करें तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर पावर 1/2, ये बनेगा। अब सीधा सीधा फार्मूला हमें लगाना है, क्या लगाना है फार्मूला वो देख लो, वो फार्मूला होता है यहां पर
क्यू इज इक्वल होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, इसका फार्मूला अगर याद होगा तभी आप कर पाओगे। तो अब इसमें x की वैल्यू रख दो और ये वैल्यू रख दो तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन सराउंडिंग द ओरिजिन इन यूनिफॉर्म इज यूनिफॉर्म एंड अलोंग x एक्सिस द स्मॉल सर्कल इज ड्रॉन विद द सेंटर एट इट ओरिजिन कटिंग द एक्सिस एट पॉइंट ए बी सी डी। ए बी सी डी पर ऐसे कट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ जा रही है। अब ये क्या कह रहा है, पोटेंशियल हमारा मिनिमम कहां पर होगा, ये क्या कह रहा है पोटेंशियल मिनिमम कहां पर होगा। तो आपको ये मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर जैसे जैसे हम चलते जाते हैं तो वहां पर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। तो यहां पर हमारे पास कौन सा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से इधर, मतलब यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां का थोड़ा कम होगा और यहां का सबसे कम होगा। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा, ए है, इसका मतलब पोटेंशियल विल बी मिनिमम एट ए, ए पर, क्योंकि यहां पर ये वाला पॉइंट क्या है, ये सबसे दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ चल रहा, यहां से खिसक करके यहां पे आ गए, तो यहां पर ए पर क्या होगा, सबसे कम होगा। राइट बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। थ्री चार्जेस टू क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर लोकेटेड एट द वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस पर रखे हुए हैं एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, क्या क्या जीरो होगा, क्या क्या जीरो नहीं होगा। तो यहां पर एक बात देखो कि अगर यहां पर तीनों चार्ज अगर हमारे पास एक जैसे होते हैं तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता। लेकिन यहां पर तीनों का हमारा सम करने पर, तीनों का जब सम कर रहे हैं तो टोटल चार्ज क्या आ रहा, टोटल चार्ज हमारे पास हो रहा है जीरो। इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर मान लिया माइनस टू क्यू है, यहां पर प्लस टू क्यू है और ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है और ये हमारे पास बेटा सेंटर, तो ये डिस्टेंस तो सेम रहेगी। तो यहां पर अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा जीरो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्लस है, ये प्लस है तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, ये माइनस है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, ये हमारे पास माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आएगा इधर, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, केवल और केवल पोटेंशियल जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर टू विल बी करेक्ट, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 29। ए रिंग ऑफ रेडियस आर इज चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ, द चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, देन व्हाट बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये हमारे पास कोई चार्ज रिंग है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे। तो बेटा जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां पर अगर हम लोग सेंटर की बात करें तो यहां पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अब जब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अगर हम ये लोग यहां पे चार्ज भी रखें तो फोर्स क्या आएगा, फोर्स हमारे पास आ जाएगा जीरो। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम्स, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम आउट थ्रू ए सरफेस एरिया 10J केप्ट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिस वन। ये 2i+4j पर 10J की सतह पर रखना है। तो देखो φ = E.A होता है, क्या होता है बेटा, E.A होता है। तो यहां पर देखो E हमारे पास है 2i, 4j और 3k और ये हमारे पास केवल 10J, तो केवल हमारे पास इसका होगा, बाकी तो सब जीरो आ जाएगा। तो कितना हो गया, 10, 4j, 40, तो कितना आ जाएगा फ्लक्स, 40 यूनिट आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 31, द फ्लक्स इंटरिंग एंड लीविंग ए क्लोज सरफेस आर 5 × 10⁵। मतलब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक फ्लक्स ये है, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर जो ये फ्लक्स है फाई वन, ये कितना है 5 × 10⁵। अब ये अंदर जा रहा है और एरिया वेक्टर हमारे पास इस तरफ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये माइनस फाइव माइनस आएगा, और यहां पर एरिया वेक्टर ये दोनों एक ही डायरेक्शन पर हैं, तो बेटा फाई टू कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, फाई टू हमारे पास प्लस में रहेगा, ये कितना आएगा 4 × 10⁵। तो यहां पर जो टोटल फ्लक्स हुआ वो क्या आ गया, वो निगेटिव में आया, कितना आएगा 5 आ जाएगा माइनस 1 × 10⁵, ठीक है। तो फाइ इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है फार्मूला, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 εr, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन ए एंड पॉइंट बी इन माइक्रोफेरेड, ये सारे के सारे माइक्रोफेरेड में दिए हुए हैं। अब आप देखो कि यहां से अगर हम लोग चले तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में है तो क्या हो गया बेटा 8 आ गया, क्या आ गया 8 आ गया, ठीक। अब आगे चलते हैं तो देखो हमारे पास क्या बनेगी बात, यहां पर ये हमारे पास पैरेलल में, अब ये पूरा और ये सब क्या हो गया सीरीज में आ गया, किस में आ गया बेटा सीरीज में आ गया, तो जब सीरीज में आए तो देखो कितना बनेगा। अब सीरीज के लिए हमारे पास क्या होता है 1/CAB, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/8 + 1/2 + 1/3, ऐसे हुआ देख लो 1/2 1/3 1/8 1/3 1/2, ठीक। तो 1/CAB यहां पर कितना आ गया 1/2 1/2, मतलब ये हो गया 2/2 प्लस बेटा हो गया 2/3 प्लस बेटा हो गया 1/8, ठीक। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो CAB हमारे पास आ जाएगा कितना 24/43, क्या आ जाएगा 24/43, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। गुणा भाग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा भाग आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, इफ ए वायर इज स्ट्रेस्ड टू मेक 0.1% लॉन्गर इट्स रेजिस्टेंस विल बी, क्वेश्चन नंबर 33 है ये, इफ द वायर इज स्ट्रेस्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर इट्स रेजिस्टेंस विल बी। तो देखो हमारे पास जब स्ट्रेच करते हैं, तो जब स्ट्रेच करने की जहां पर बात आती है तो क्या होता है बेटा आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब यहां पर देखो लॉन्गर किया जा रहा है, लॉन्गर किया जा रहा है मतलब क्या हो गया कि जब लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा आर अपॉन आर की अगर हम लोग बात करें तो यह आ जाएगा 2 δ L/L, और परसेंटेज की अगर हम लोग बात कर लें तो ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास बेटा 0.1% है, तो 2 × 0.1% की अगर हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा 0.2% एंड 0.2% विल बी इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटीज ऑफ द मेटल वायर रिस्पेक्टिवली, व्हाट बी द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। आपको मालूम है आर इज इक्वल टू R1 + R2, मान ली एक वायर ये है, एक वायर ये था और एक वायर ये है, इसकी लेंथ L है, L1 है, और इसकी लेंथ मान ली L2 है, राइट। अब जब दोनों जोड़ दिए, मान लो समान लंबाई के अगर ले लें, ठीक है, आइडेंटिकल ले लें, तो यहाँ पर लेंथ दोनों की सब दोनों की सेम हो गई, ठीक। तो R इज इक्वल कितना हो जाएगा, R इज इक्वल ρL/A होता है, तो अब इसके कम्बिनेशन के लिए क्या हो जाएगी, लेंथ 2L हो जाएगी अपॉन A इज इक्वल टू ρ1L/A प्लस ρ2L/A, ये सब गया। तो यहाँ से 1/ρ = 1/σ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/σ = 1/σ1 + 1/σ2। अब बेटा इसमें से आप सिग्मा की वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगा 2σ1 σ2 / σ1 + σ2, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 34 ये आपका हो गया।
ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 देखो, ए बी इज ए वायर, ए बी एक ये वायर है ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, द गैल्वेनोमीटर जी शोज नो करेंट व्हेन द लेंथ इज ए सी 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बेटा 20 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास कितना होगा 80 सेंटीमीटर कह रहा है वो, ठीक, ये 20 और ये 80। तो यहां पर आपको मालूम है कि इसके सामने वाले का रेजिस्टेंस मतलब R अपॉन 20 और ये हमारे पास 80 अपॉन 80, ये हमारे पास सेम होता है, तो R इक्वल टू कितना आ गया 20 ओम आ गया। तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये तो अपने पास बेटा सेक्शन ए के क्वेश्चन थे कि जो कि अपने को कंपलसरी है, अपने को पूरे 35 करने ही करने हैं। अब आगे अपने पास जो ये 15 क्वेश्चन है सेक्शन बी में, अब 15 क्वेश्चन में से अब आपको चॉइस दे दी गई है, चॉइस दे दी गई है अपने को 10 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 5 क्वेश्चन आप आराम से छोड़ सकते हो, तो 5 क्वेश्चन आप वो छोड़ सकते हो या आप जो आपको लेंदी लगते हैं, जो आपको लेंदी लगते हैं उनको आप छोड़ सकते हो 5 क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी आप अपना कर लो। तो अब ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन है। अभी क्या कह रहा है, ए फिश इज राइजिंग वर्टिकली अप, क्वेश्चन नंबर 36 है, ये फिश है और ये ऊपर की तरफ आ रही, एंड ए बर्ड इज डाइविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। वो कितनी स्पीड से आ रही है, 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही, द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश। तो अब इसकी वेलोसिटी निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में, फिश के रिस्पेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश ये हमें निकालना है। तो देखो ये यहां से ये कितना हो गया हमारे पास बेटा, ध्यान से देखो, तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास है 9 मीटर पर, तो इसकी वेलोसिटी क्या उसको दिखेगी इसके रिस्पेक्ट में, 9 into μ, μ कितना बेटा 4/3 दिया है, क्या दिया है 4/3 प्लस, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है 3, तो प्लस 3 हो गया, तो 3 × 9 = 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 15 मीटर पर सेकेंड। आप ध्यान से देख लो कौन सा आया आंसर नंबर, ये हमारे पास हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1 राइट। चलते हैं अब आगे, 36 नंबर हो गया आपका, अब आगे आते हैं बेटा 37 पर, ठीक है 37। अब यहाँ पर देखो ये बढ़िया क्वेश्चन मिल गया, एकदम सिंपल सा मिल गया, वहाँ पीछे वाले में थोड़ा कैलकुलेशन था, अब थोड़ा बड़ा था, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल कॉग्निटिव एब्रेशन FR-FV = ω·FY ये होता है फार्मूला, और आपका ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 38 की, क्वेश्चन नंबर 38 की बात आते हैं। देखो 38, टू कोहेरेंट सोर्सेस हैविंग इंटेंसिटी इन द रेशियो 100:1, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड इंटेंसिटी मिनिमम, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर ये इंटेंसिटी दी है, तो इंटेंसिटी दी है मतलब I1/I2 दिया हुआ है, I1/I2 बेटा A1/A2 का होल स्क्वायर होता है एम्पलीट्यूड का, तो मतलब क्या हो गया A1/A2 = 10/1 ये हो गया। अब आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम जब करेंगे, आई मिनिमम जब करेंगे तो क्या होकर लिखेंगे बेटा A1+A2/A1-A2 का होल स्क्वायर राइट। A1+A2 मतलब क्या हो गया 10+1/10-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 121 और ये हमारे पास क्या हो गया 81 स्क्वायर करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 81। अब इसको अगर हम लोग 40 से अगर कट करें तो लगभग लगभग हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3/2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए पोलराइज्ड इज प्लेस्ड एट 45 डिग्री टू एन अनकमिंग अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, नाउ द इंटेंसिटी इज पासिंग थ्रू। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये पोलराइज्ड से ही निकल करके आ रहा है,
तो पोलाइट से ही जब निकल कर हम चाहे जितना क्यों ना रोटेट करें, तो जो हमारे पास इमरजेंट होगा, जो बाहर निकलने वाली लाइट होगी, दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट बाई टू। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बेटा 40 नंबर। इन अ कॉमन बेस एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। कॉमन बेस एम्पलीफायर में जो फेज डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, और यही अगर कॉमन इमिटर की बात करते हैं तो कॉमन इमिटर में पाई होता है। यहां पर किसकी बात कर रहा है? कॉमन बेस की बात कर रहा है, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की बात कर रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 41। ए रेडियो एक्टिव मटेरियल हैविंग एन इनिशियल अमाउंट 16 ग्राम आफ्टर 120 डेज इट रिड्यूसेस टू 1 ग्राम। मतलब 16 ग्राम था, अब वो रिड्यूस होकर 1 ग्राम रह गया। तो हमें बताना क्या है? देन व्हाट बी द हाफ लाइफ टाइम। मतलब कितना था? प्रारंभिक मात्रा 100 थी, 120 दिन बाद कितना रह गया? 1 ग्राम रह जाता है। तो अब उसकी हाफ लाइफ क्या होगी? तो देखो बेटा, एन इज इक्वल टू एन जीरो 1/2n। ये होता है फार्मूला। ये हमारे पास था 1 रह गया, और था कितना? 16 1/2n। तो 1/16 इज इक्वल टू 1/2n। तो n इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा बेटा 4। ठीक। और आपको मालूम है t इज इक्वल टू एन टी हाफ होता है फार्मूला। t हमारे पास क्या है? ये है 120, n हमारे पास हो गया 4, t हाफ अपने को निकालना है। तो क्या आ जाएगा? t हाफ अपने पास आ जाएगा 30 डेज। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। 30 डेज मतलब 30 दिन में वो आधा रह जाएगा। ये ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 42 की बात करें। जेनर ब्रेकडाउन इन ए सेमीकंडक्टर। आपको मालूम बेटा, जेनर ब्रेकडाउन हमारा हमेशा रिवर्स बायसिंग में होता है, रिवर्स बायसिंग में होता है, और जब वो एक सर्टेन वैल्यू को एक्सीड कर जाता है। तो यहां पर क्या हुआ? जब एक उत्क्रम अभिनत किसी निश्चित मान से अधिक होती है तो वहां पर वो जेनर ब्रेकडाउन होता है। मींस ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। यहां पर देखिए 43। द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। यहां पर देखो, ये हमने बताना है कि ये कौन सा गेट होगा। ये हमने माना 1 1, यहां पर 1 का आएगा 0 0, फिर आ गया यहां पे 1 1। ठीक, 1 1, तो यहां पर फिर क्या हो गया? 1 1 का हो गया फिर 0। ठीक है, 0 0 1, फिर 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा यहां। तो यहां पर हमारे पास कौन सा गेट हो जाएगा? ये 1 एंड गेट। ठीक है, वैल्यू रख के देख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इलेक्ट्रिक डायपोल ईच हैविंग चार्ज प्लस माइनस ई आर प्लेस्ड इनसाइड ए स्फीयर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द स्फीयर। यहां पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं। यहां पर क्या है? 4 यहां पर अपने पास 4 इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं एक स्फीयर के अंदर। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ऐसे रखे हुए। अब बेटा ये पूरे डायपोल हैं, पूरे डायपोल का टोटल चार्ज कितना हो गया? क्यू इनक्लूज कितना हो गया? ये हो गया 0। तो जब बेटा चार्ज इनक्लूज 0 है तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स हो जाएगा 0। सीधा सीधा आपको लिख देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 44 कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। देखिए, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। ये तो बेटा आपका फार्मूला है, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। फोर्टी सिक्स नंबर में देखिए, 46 नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर निगलेक्टिंग सोर्स रेजिस्टेंस, सोर्स का हम लोग रेजिस्टेंस इसका निगलेक्ट कर दें, और एमिटर रीडिंग हमें बताना है और वोल्ट मीटर रीडिंग बताना, मतलब हमें ये रीडिंग बताना है और ये वाली रीडिंग बताना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो ये एक्सएल और एक्सी बेटा बराबर है, एक्सएल और एक्सी जब बराबर है तो यहां पर इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो जो नेट वोल्टेज यहां पर आएगा वही तो यहां पर भी बताएगा, और ये नेट वोल्टेज क्या होगा, वीएल माइनस वीसी होगा, वीएल माइनस वीसी होगा। और यहां पर चूंकि एक्सएल और एक्सी बराबर है इसलिए वी हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब ये हमारे पास हो गया जीरो, सारा का सारा वोल्टेज इसके क्रॉस दिखेगा, तो यहां पर वोल्टेज कितना बेटा 240, तो करंट कितने हो जाएगा 240/30, तो करंट कितना आ जाएगा बेटा 8 एम्पियर। तो यहां पर जीरो वोल्टेज और 8 एम्पियर, ऑप्शन नंबर फोर विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर फोर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड, कैन नॉट बी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ करके बाकी सारी की सारी ट्रांसवर्स हैं, ठीक है, बाकी आपकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास कैसा है, ये साउंड वेव है, और साउंड वेव कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, जबकि पोलराइजेशन किसका होता है, ट्रांसवर्स का। तो ऑप्शन नंबर फोर विल बी करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 47 आपका हो गया। नेक्स्ट देखो 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडिएशन एनर्जी ई फॉल्स नॉर्मली ऑन द परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस द मोमेंटम ट्रांसफर टू, तो मोमेंटम क्या होता है, ई बाई सी होता है, लेकिन जब परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2E/c। अगर परफेक्टली ऑब्जर्विंग होता तो E/c आ जाता, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 48, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट फॉर दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखिए, इक्वेशन x इज इक्वल टू 49, इन इक्वेशन x इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a एंड b, ए और बी की हमें डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। तो देखो बेटा, यहां पर ए टी की जो डायमेंशन होगी वो एक्स की डायमेंशन होगी, तो ए टी की जो डायमेंशन होगी वो एक्स की डायमेंशन होगी, हमें ए का निकालना है। तो ए बराबर क्या हो गया, एक्स अपॉन टी, तो कितना आ गया, एल टी माइनस वन आ गया, एल टी माइनस वन आ गया। ऐसे इसको अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या आ जाएगा, एल टी माइनस टू आ जाएगा। तो देखो एक में हो गया एल टी माइनस वन ए का, और बी का बीमा क्या हो गया, एल टी माइनस टू। तो ऑप्शन नंबर वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर राइजेस टू हाइट एच इन ए कैपिलरी ट्यूब हेल्ड वर्टिकली इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर, इफ द कैपिलरी ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वाटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब विल बी, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में हमारे पास क्या लेंथ होगी। तो देखो बेटा, ऐसा हमने मान लिया कि पहले ऐसे थी, पहले कैपिलरी ट्यूब हमारे पास ऐसे थी, ये हमारे पास लेंथ मान लो एल है, कितना है एच मान लो, ठीक, यहाँ पर एच हाइट तक भरा था पानी ऐसे, अब इस ये एच, एक मिनट इसको पूरा फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, ये हमारे पास है, ये कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब में मान लिया हमारे पास यहाँ से जो पानी यहाँ पर भरा वो एच लेंथ तक भर गया, कहाँ तक भर गया, एच लेंथ तक भर गया। अब क्या किया, इंक्लाइंट एट एन एंगल ऑफ 30 विद द वाटर सरफेस, अब ये वाटर सरफेस है, ये हमारे पास सरफेस है, अब हमने क्या किया, हमने किया ये बेटा कि इस वाटर सरफेस से इसको ऐसे इंक्लाइंट कर दिया, वाटर सरफेस से इंक्लाइंट कर दिया, इंक्लाइंट कितना किया बेटा 30 डिग्री पर किया, अब ये हमारे पास लेंथ क्या होगी बेटा एल हो गई ना। तो जो ये हमारे पास कंपोनेंट है, एक हमारे पास ये आएगा एल कॉस थीटा, और एक क्या आएगा एल साइन थीटा, तो ये जो हमारे पास एल साइन 30 आएगा
ये किसके बराबर होगा, यही तो h के बराबर होगा। तो l साइन 30 बराबर h, तो l साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू एल एच, तो h l इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 2h आ गया। तो यहाँ पर 2h देखो किस में है, 2h हमारे पास है ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गए, मतलब अपने को सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन करने थे, सेक्शन बी में अपने को चॉइस है 5 क्वेश्चंस का, 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है। तो ये बेटा आपका ये जो मेजर टेस्ट है, मेजर टेस्ट सीरीज एमटीएस का 12 पेपर का ये फोर्थ क्वेश्चन पेपर का आपका पूरा सॉल्यूशन है। इसके बाद भी हम आपको ये बता रहे कि जी आप अपना गुरु नीति है, ठीक है, और बायोकेम का डीटीएस है, ठीक है, फिजिक्स के लिए आप इको कर रहे हो, है ना, ये सारे पेपर कर रहे हो बेटा, इसके अलावा कहीं से भी कुछ भी नहीं आने वाला। तो ये चीज़ें बेटा बार बार आप रिपीट करते रहो, है ना, इंस्ट्रक्शन जो आपको मिले आप उन इंस्ट्रक्शन को आप पूरा फॉलो करते रहो, 100% सफलता मिलेगी। ओके बेटा, गुड लक, ऑल द बेस्ट।